दोस्तों, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे वो एक प्रॉपर एंटरटेनर है, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, इमोशंस और रोमांस ये सब मौजूद है। और इस फिल्म का नाम है 1 2 का 4। 1 2 का 4 2001 में रिलीज़ हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है, जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं शाहरुख खान, जूही चावला, जैकी श्रॉफ, निर्मल पांडे, दिलीप जोशी और आकाश खुर्राना। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है संजय चहल, मनोज ललवानी और राजकुमार दहीमा ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शशि लाल के नायर ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नज़ीर अहमद। अब बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो ये कहानी है दो पुलिस वालों की, जिनका नाम है जावेद अब्बास यानी जैकी श्रॉफ और अरुण वर्मा यानी शाहरुख खान। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और स्पेशल टास्क फोर्स में पार्टनर्स भी हैं। इसके अलावा जावेद के 4 बच्चे हैं, जिन्हें वो अकेला पालता है क्योंकि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अरुण एक बैचलर है, जो काफ़ी बेफिक्र और अपनी ड्यूटी के मामले में थोड़ा गर्म दिमाग का है, और अरुण को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद और उसकी जावेद भाई के बच्चों से भी कुछ ज़्यादा नहीं बनती। फिर कहानी में एंट्री होती है ड्रग लॉर्ड KKV यानी निर्मल पांडे की, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स हर हाल में पकड़ना चाहती है, मगर ठोस सबूत ना होने की वजह से वो उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर एक दिन एक इन्फॉर्मर की मदद से वो लोग KKV को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, मगर फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब डिपार्टमेंट में से सबूतों की अदला बदली होती है, और ये बात भी साफ क्लियर हो जाती है कि डिपार्टमेंट में कोई तो गद्दार है जो हमेशा से KKV के लिए काम कर रहा है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है, जिसे जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो 1 2 का 4 की डायरेक्शन ठीक ठाक है, मगर मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक इस कहानी को थोड़ा और सीरियस और थ्रिलिंग एलिमेंट्स डाल के और भी बेहतर किया जा सकता था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म की स्क्रीन प्ले राइटिंग अच्छी है और इस फिल्म के इमोशनल सीन्स आपको बआसानी अपने से कनेक्ट कर लेंगे। और कॉमेडी की बात करें तो फिल्म में सेटिस्फाइंग सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलती है। ओवरऑल फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है और हमें फिल्म से बांधे रखता है। इसके अलावा फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के कुछ गाने काफ़ी शानदार हैं। ख़ास तौर पे सॉन्ग खामोशियाँ गुनगुनाने लगीं, ये सॉन्ग ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। अब बात करें एक्टिंग की, तो शाहरुख खान का ये रोल उनकी एक्टिंग स्टाइल पे काफ़ी सूट कर रहा था और उन्होंने इस किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया, और जूही चावला का भी ये रोल उनकी टिपिकल कॉमिक एक्टिंग के हिसाब से ही था, इसलिए उन्होंने भी इस रोल को अच्छे से निभाया। इसके अलावा जैकी श्रॉफ की बात करें तो जैकी श्रॉफ एक काबिल एक्टर हैं, जो हर किस्म का रोल प्ले करने की काबिलियत रखते हैं, और इस किस्म का सीरियस और सेंसिबल फैमिली मैन का रोल उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। इसके अलावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स अच्छे से निभाए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 का 4 एक ठीक ठाक फिल्म है, जिसे आप एंटरटेनमेंट के लिए एक बार देख सकते हैं, और मैं आप सबको ये फिल्म रेकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म में शानदार कहानी के साथ साथ आपको शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग भी देखने को मिलेगी।